नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी लेह पहुंचे हुए हैं और आइए उनके एक संबोधन आपको सुनाते हैं। आओ चलें राष्ट्र की तरफ। राष्ट्र हमारा, धरती आकाश गगन है, चुंबी हमारा। किसकी हिम्मत है मेरे धरती को एक इंच लेने वाला। मेरे सौर वीर देश के धरती माता के लाल बॉर्डर पर तैनात ऐसे वीर सूर वीरों की गाथा हर व्यक्ति नहीं लिख सकता, सिर्फ धरती माता के लाल ही लिख सकते हैं। आइए 3 जुलाई यानी आज देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आज लेह में हमारे देश के फौजियों को उनके साहस पराक्रम वीर गाथा की सलूट करने ले पहुंचे हुए देश के प्रधानमंत्री। आगे की रिपोर्टिंग देखिए। माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आस पास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग बलिदान पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने
महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में सीमा पर ये दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारत नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।